मौलाना असलम साहब मरहूम एक बुज़ुर्ग थे, रावण में इंतकाल हो गया। फरमाने लगे 4 महीने लगाए और वो नौजवान इंतज़ार में वही कब नाजिल होगी। 4 महीने मस्जिद में रहा, तिलावत भी की, जिक्र भी किया, तबलीग भी की, नमाजें भी पढ़ी 4 महीने तक अब इंतज़ार में। का तबलीग तो आदमी के अंदर आजिज़ी, इनकसारी, तवाज़ो में कुछ भी नहीं। कराची का इज्तमा हुआ, ड्यूटी मेंबर पर थी तो किसी ने कहा कि बड़े अहदेदार आ रहे हैं और ये मशवरा हुआ कि आप उनके इस्तकबाल के लिए जाएं। तो मास्क लगाना था, बीमारी थी तो चला गया मैं मेंबर से उतर कर, वहाँ पहुँच गया। वो आए, उनका इस्तकबाल किया, बैठे, उनके लिए अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था ज़ाहिरी। पूछने लगे ये तो तबलीग में आदमी निकलता है 4 महीने लगाता है, कि नतीजा क्या है इसका, क्या नतीजा निकलता है? क्या इसका नतीजा ये है, आदमी अपनी हैसियत मिटा देता है। मैं कुछ भी नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं है। तो वो साहब कहने लगे इसकी कोई पुड़िया मिलती है यहाँ पर, उसको लेकर मैं जेब में रख दूँ? यानी इसके लिए तो रगड़ा खाना पड़ता है, मुजाहिदा करना पड़ता है, नफ्स की मुखालिफत करनी पड़ती है। अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं नफ्स की मुखालिफत करना बेहतरीन इबादतों में से एक इबादत है। नफ्स का मुजाहिदा, नफ्स के खिलाफ करना, इसके बगैर काम नहीं बनेगा। तबीयत के खिलाफ बात आएगी, आती रहेगी, उसको सहना, जब्त करना, सब्र करना, उसको बर्दाश्त करना।